आप कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लग जाए, अभी अनाउंसमेंट आई कि टेस्ला तो इंडोनेशिया जा रहा है। सिंबॉलिकली अगर इलॉन मस्क इंडिया में आते और उनकी फैक्ट्री लगती, क्या आपको लगता कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अडॉप्शन में एक बड़ा इंडिकेशन होता उनका इंडिया की जगह इंडोनेशिया जाना एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आप उसको कैसे? आप अभी कल दिल्ली जाओ और एक बार ऑटो एक्सपो में जाओ और इलेक्ट्रिक कार देखो। मैं आप कंपनियों के नाम नहीं लेता, मैंने लॉन्च की बहुत सी, मैंने हमारे भारतीय उद्योजकों को एक बार नाराज होकर कहा था कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। और आज हमारे कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ गया और बेस्ट क्वालिटी की कार वहां है, कोई टेक्सला से कम नहीं है। टेक्सला का स्वागत है, रेड कार्पेट है। पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारी 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, देश को सबसे ज्यादा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 4.5 करोड़ युवकों को जॉब देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और आज मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात कह चुका हूं कि पहले हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे, पहले नंबर पर यूएसए था, दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पर यूएसए था, तीसरे नंबर पर जापान था, चौथे पर हम था। अब मैं इस विभाग का मंत्री हूं, मुझे बहुत खुशी है, कल मैंने सभी स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद दिए, अब हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर गए। अब इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल बायो एलएनजी बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस इलेक्ट्रिक ट्रक सब मैंने देखी, हाइड्रोजन। मैं आपको बताता हूं कि 5 साल के अंदर, वैसे मैं बोलता हूं वो बातें 100% होती है, तो 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा और इंडिया से सब एक्सपोर्ट होगा।